गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गूगल पे चला रहे हैं और उसमें आप दो बैंक अकाउंट लिंक करके रखे हुए हैं तो आप एक दूसरे बैंक में पैसे कैसे भेज सकते हैं, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में बैलेंस कैसे भेज सकते हैं बिना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के जरिए। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने गूगल पे को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे और यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ चेक बैलेंस में। आपको यहाँ पे मेरा दो लिंक हुआ है, एक स्टेट बैंक और एक है कोटक। मैं कोटक से स्टेट बैंक में भेज कर दिखाऊंगा बिना आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के जरिए। तो मैं आ जाएंगे बैक। अब बैक आने के बाद में अब ऊपर की तरफ आ जाएंगे और ऊपर तरफ आने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेल्फ ट्रांसफ़र का ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद में ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस बैंक से किस बैंक में भेजना है। तो मैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा ऐप को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि मुझे इस बैंक से मुझे यहाँ पे स्टेट बैंक वाले में भेजना है, यानी टू में मेरा रहेगा स्टेट बैंक और मुझे फ्रॉम में रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। अब जैसे ही इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालने का ऑप्शन आ गया। चलिए मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दे रहा हूँ। तो गाइस मैंने अमाउंट डाल लिया है। अमाउंट डालने के बाद में आपको यहाँ भी समरी देखने को मिल जाएगा कि आप कोटक महिंद्रा से स्टेट बैंक वाले में पैसा भेजने वाले हैं। देखिए ऊपर लिख रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम यानी कोटक महिंद्रा और टू में आपको स्टेट बैंक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मुझे जितना भेजना है मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है। अमाउंट डालने के बाद में अब सिंपली ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई पिन डाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने यूपीआई पिन डाल दिया है। डालने के बाद में जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे ये मेरा ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में इजीली तरीके से हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए ये मेरा ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पे आपका पेमेंट भी रिसीव हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिटेल्स निकाल के कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज चुके हैं बिना आईएफएससी कोड और बिना अकाउंट नंबर के जरिए। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलता रहे।